हेलो एवरी वन वेलकम टू टू डे इज़ क्लास सो टुडे आल बी टॉकिंग अबाउट फ्लॉल फार्मूला एंड फ्लॉरल डायग्राम दिस टॉपिक इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ मॉर्फुलोजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लान्स सो टुडेव सेलेक्टेड दिस टॉपिक बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इम्पॉटेंट एंड ऑल्सो मेनी स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सो आज हम लोग फ्लॉरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम में बात करेंगे ठीक है सो फॉल द क्लास केयरफुली अच्छे से समझिए और अगर समझ में नहीं आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा ओके okay? सो लेट स्टार्ट सो फर्स्ट ऑफ आल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ठीक है कि फ्लॉरल फार्मूला होता क्या है तो जैसे कि आपने फ्लावर्स को देखा है ना बहुत अलग अलग फ्लावर्स होते हैं और वो सारे फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज पर बिलोंग करते हैं जैसे कि प्रासिका फैमिली होता है लिली फैमिली होता है आपका फिर लेगोमिनस प्लांट का अलग से लेगोमिन फैमिली होता है वो ठीक है तो बहुत सारे अलग फैमिलीज हैं तो हर फैमिलीज के जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लॉरल उनका uh, जो फ्लावर होता है वो आपने देखा होगा वो वो दिखने में अलग होते हैं दे डोंट लुक सेम ओके दे लुक डिफरेंट सो वेन वी यूज़ अ सर्टन फार्मूला ओके वेन वी यूज़ अ सर्टन फार्मूला टू रिप्रेजेंट दैट फ्लावर ठीक है same, okay? so, uh, formula, okay? flower, जब हम उस फ्लावर के पोजिशन को ठीक है उस फ्लावर का जो वो फ्लावर कैसे है उसमें कितने सारे पेटल्स हैं किसमें सारे उसमें uh, सेप्पल्स हैं किस uh, कितना उसमें आपका uh, ओवर यूज का किस, -किस पोजीशन पे है ठीक है फिर उसका जो एंथर है वो किस टाइप के है है ना फिर एंड्रोशियम का मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट वो कितने हैं उसमें नंबरिंग क्या है उसका न्यूमेरिकल अरेंजमेंट क्या है उसका फिर उसका आ, पोजिशन किस टाइप का है उसका आ, आपको क्या बोलते हैं ओवरी का तो ठीक है तो ये सब पार्ट ये सब चीज़ों को जो रिप्रेजेंट करता है जो फॉमूला रिप्रेजेंट करते हैं उससे कहा जाता है फ्लोरल फार्मूला ओके सो इन दिस क्लास विल टॉक अबाउट द डायग्राम्स हाउ दे आर रिप्रेजेंटेटेड हाउ द फ्लॉरल रिप्रेजेंटेशन इज शोन एज इन अ डायग्राम ऑल्सो उसका फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंट फॉर्म फैमिलीज के फैमिलीज के फ्लोरल फार्मूलाज uh, आज हम उसके बारे में बात करेंगे ओके एंड व्हाट आर दोज यू नो देर आर समर्टिकुलर सिम्बल्स एंड हाउ यू राइट दोज नंबर्स ऑफ दोज पर्टिकुलर पार्ट और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द फ्लावर तो उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग आज देखेंगे और उसके डायग्राम भी देखेंगे हम लोग ठीक है सो बेसिकली आप याद रखिएगा जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक फ्लावर का उसके नंबर उसके जो पार्ट्स है ना पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर उनका जो नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ठीक है उनका जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को कहा जाता है फ्लोरल फॉर्मूला ओके तो फाइव सिंबल्स इसमें यूज़ होते हैं मेन जब हम फार्मूला लिखते हैं मैं आपको दिखाऊंगी उसमें फाइव फैक्टर्स मेनली इंपॉर्टेंट है फाइव चीज़ों का उसमें यूज होता है पहला बात है कि नंबर ऑफ़ सेपल्स क्या है कितने हैं नंबर ऑफ़ पेटल्स कितने हैं फिर फ्लोरल सिमेट्री कैसे है वो फ्लावरल का वो फ्लावर का जो सिमेट्री है मतलब वो रेडियल सिमेट्री है मतलब अगर उसे काटा जाए तो उसके इक्वल पीसेज होंगे ओके इफ़ यू कट इट इफ यू कट इट इन ऑल साइड फ्रॉम ऑल साइड्स इफ यू कट इट दें इट विल फॉर्म इक्वल पार्ट्स तो उसे कहते हैं कि रेडियल सिमेट्री की इन रेडियल पोजिशन ओके तो अगर हम उसको बीच से काटेंगे बायोलिट्रिकल सिमेट्री तो उस टाइप के तो ये दो आपके फ्लोरल सिमेट्री है बायोलैट्रल एंड योर रेडियल सिमेट्री अगर कोई सिमेट्री ना हुआ तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक ठीक है देन नंबर ऑफ कार्पल्स कार्पल्स यहाँ पे क्या है आपका जो फीमेल वाला जो प्रोडक्टिव पार्ट है कार्पल्स एंड मेल डिसोडक्टिव पार्ट ओके तो ये फाइव चीजें फाइव चीजों का यूज होता है सो so बेसिकली ये आपका जो फ्लोरल डायग्राम होता है या फॉर्मल फॉमूला होता है ये या तो कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फ्लावर का हो सकता है या फिर एक पर्टिकुलर फैमिली का हो सकता है ठीक है सो सोनावी बहुत डिस्क्रिप्शन ये सारे डिस्क्रिप्शन है अगर ये एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ईच ये क्या मीनिंग है एक एक चीज़ का ये मैं आपको बताऊँगी वाइल स्टडिंग द फ्लोरल फॉर्मूला ठीक है याद के रखिएगा ये आप याद रखिएगा कि ब्रैक अगर हुआ तो क्या होगा ब्रैक क्या होगा ये बस सब टर्म्स आप याद रखिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये इंडिविजुअली ये चीज़ें होता क्या है ठीक so, है सो चले जाते हैं पहले वाला फा, पहला फैमिली जो कि है फेबिशिया फैमिली ठीक है फेबिश फैमिली क्या होता है इसे हम लोग आ, पी फैमिली भी बोल सकते हैं ठीक है थीके? इसे हम लोग पी फैमिली भी बोल सकते हैं तो इसमें क्या क्या प्लांट्स आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पीनट्स है आपका है ना पीनट्स है कॉमन बीन है सोयाबीन है आपका लेंटिल चिकपी क्लोवर मूंग बीन फेनोग्रक फेनोग्रिक सजबानिया है ना ये सारे आपके आते हैं फेबरशे फैमिली में ठीक है अब याद रखेगा अगर कोई भी प्लांट का यहाँ पे एग्जाम में आपको आता है तो आपको ये फॉर्मुला आपको याद रखना है यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला नीचे फॉमुला है ना ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है तो ओके चलिए देखते हैं हम लोग ये चीज़ कि होता क्या है देखिए ये जो है ये जो ऐसा में देख रहे हैं ना इसको कहते हैं फ्लोरल डायग्राम और ये है आपका फ्लोरल फॉर्मूला तो नाउ पहले यहाँ आते हैं ये जो परसेंटेज है ये क्या है परसेंटेज का मतलब है आपका कि ये आपका जाइगोमॉर्फिक है ठीक है जाइगोमॉर्फिक मतलब देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने देखा था एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक क्या है जब हम इसको बायोलेट्री जब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बायोलेट्रल सिमेट्री तो उसे जाइगोमॉर्फिक कहते हैं ठीक है एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है जब हम उसको रेडियल सिमेट्री जब हम उसको हर तरीके से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इन टू इक्वल पार्ट्स उसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक क्या है जब उसका हम बायोलेट्रिक बीच से हम उसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे बायोलेट्रल सिमेट्री कहते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या आपका परसेंटेज आपका ओके okay, याद रखिएगा परसेंटेज क्या है जैगोमॉर्फिक अच्छा ये जो ये जो साइन है इसका मतलब है बाइसेक्शुअल फ्लावर मतलब देखिए यहाँ पे मेल पार्ट मेल पोर्शन भी है यहाँ पे और फीमेल पोर्शन भी है सो इट इज़ अ बाइसेक्शुअल फ्लावर के का मतलब क्या है यहाँ पे के का मतलब है यहाँ पे आपका ये है कैलिक्स ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ प्रीवियस स्लाइड में जाके यहाँ पे देखिए के का यहाँ पे कैलिक्स ओके फिर कैपिटल सी का यहाँ पे कोरोला ठीक है ये मैंने आपको बताया था हुआ पर्सनजर बताइोमार्फिक ठीक है फिर आप आते हैं इसमें आते हैं आपका आ, ये दोनों हो गया इसमें आपका फिर ए आएगा आपका जो कि एंड्रोशियम एंड्रोशियम मतलब आपका जो मेल पार्ट है और जी आएगा गाइनोशियम ठीक है कमिंग बैक टू आवर स्लाइड अगेन तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग तो ये फॉर्मला में आ जाइए वापस देखिए यहाँ पे के है यहाँ पे क्या है ये है कैलिक्स कैलिक्स का मतलब क्या है ये जो आउटर पोर्शन आप देख रहे हैं ना ये वाला इसे कैलिक्स कहते हैं या फिर इसको कह सकते हैं सेपल्स भी कहते हैं तो जब हम नॉर्मली एक फ्लावर देखेंगे ठीक है यह, एग्जाम्पल यह, यहाँ पे दिखेगी यह गाइनोशियम बताया है ना नॉर्मली हम एक फ्लावर देखते हैं फ्लावर का जो आउटर पार्ट होता है ना पेटल्स के नीचे में उसे कहते हैं हम सेपल्स ठीक है सेपल्स यहाँ पे कितने है? यहाँ पे के फाइव मतलब ये यह देखिए यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है यहाँ पे फाइव सेपल्स हैं ओके आप यहाँ पे ब्रैकेट में हैं क्यू क्योंकि ये फ्यूज फॉर्म में है याद रखिएगा अगर ब्रैकेट में हुआ तो ये फ्यूज फॉर्म होता है ओके अगर ब्रैकेट हुआ तो फ्यूज फॉर्म होगा और अगर ये फ्री अगर ये इसमें ब्रैकेट नहीं हुआ जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्री है वन और टू देखिए फ्री है तो ये आपको हो गया फ्री फॉर्म मतलब ये फ्यूज फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पे जो फाइव दिख रहा है आपको ये आपके फ्यूज फॉर्म में एक साथ है ये फ्यूज फॉर्म इसलिए ब्रैकेट में है फिर सी का मतलब क्या है आपका ये कोरोला मतलब आपका पेटल्स यहाँ पे देख सकते पेटल्स यहाँ पे क्या है वन प्लस टू प्लस टू देखिए वन प्लस टू प्लस टू का मतलब क्या है देखिए तो, ये देखिए आपका वन फिर टू प्लस टू ठीक है तो साइड वाला टू क्या है ये ये आपका फ्यूज है तो यहाँ पे दो देखिए फ्यूज फॉर्म में है ये दो फ्यूज अटैच्ड है फ्यूज फॉर्म में लेकिन बाकी दो फ्रीली है बाकी वन भी फ्रीली है ठीक है अब ए में आई एंड ए है एंड्रोश ये आपका है नाइन प्लस वन यहाँ पे देखिए येलो वाला पार्ट देखिए यहाँ पे ये आपका एंड्रोशियम ओके okay? ये है आपका <coughs> करोला और ये आपका कैलिक्स ठीक है तो यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और यहाँ पे एक देखिए सिंगल है यहाँ पे तो ये पे देखिए नाइन प्लस वन और नाइन क्योंकि साथ में है तो ये फ्यूज फॉर्म में है ओके वन सिंगल है और नाइन ला, और लास्ट है जी जी का मतलब क्या है गाइनोशियम ये बीच में देखिए गाइनोशियम यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो ये जी अब जी के नीचे देखिए एक डैश है ना एक दे, देख सकते जी के नीचे एक जी के नीचे क्या है एक डैश टाइप है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो ओवरी है ये सुपीरियर ओवरी है सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या है कि वो जो ओवरी है वो जो बाकी आपका जो एंथर है उसमें ठीक है ये जो एंथर है ये जो ये देखिए ओवरी जो है ये पार्ट के ऊपर में है ओके okay? जब ओवरी जब ओवरी जब ऊपर में होता है ऊपर मतलब ये जो आपका पोजिशन है ना फ्लावर का पोजिशन है ना देखिए ये आपका ओवरी है ये आपका पेटल्स है ठीक है ये पेटल्स है ये आपका सेपल्स है फिर ये आपका एंथर है तो ओवरी जब सबके ऊपर में होता है तो उसको बोलते हैं आपके सुपीरियर ओवरी ठीक है तो इस क्योंकि सुपीरियर ओवरी है तो जी के नीचे यहाँ पे डैश है और वन है देखिए यहाँ पे वन है तो वन तो ये आपका जनरल फार्मूला होता है फेबिशे फैमिली का और यहाँ पे जो है ये अब जब आपको डायग्राम दिख दिक्राग रहा है ये आपका पीजम साटिफा मतलब पी का है ये ठीक है ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए ये, ये जो फॉमूला दिख रहा है आपको ये आपका पी का है फॉर्मूला याद रखिएगा ठीक है देखिए बी आर और बी आर एल अभी मैं आपको बता रही हूँ ठीक है बी आर का मतलब क्या है बी आर का मतलब है आपका ब्रैक्स ओके ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है ये आपका ये देखिए यहाँ पे ब्रैक्स है ठीक है ये ब्रैक्स है ब्रैक्स का मतलब क्या है जैसे कि जब एक प्लांट आपका ग्रो होता है ना ठीक है ये तो आपका सेप्पल्स हो गया है ना तो उसके नीचे आपका एक और स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ठीक है एक, एक और सक्चर दिखेगा ये भी थोड़ा लीफ टाइप एक्सेसरी एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स है ये लीफ लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर्स है ये ठीक है तो ये आपका एक्सेस में होता है तो ये अगर हुआ तो ये इसको कहते हैं ब्रैक्स और बी आर एल मतलब ब्रैक्टोलेट ब्रैक्टलिट मतलब जब ऑल थ्रू आउट ठीक है ये ऑल थ्रू आउट द स्टेम देखिए जब यहाँ पे जब आपका होगा ये भी लीफ लेक -like स्ट्रक्चर्स है इसे कहते हैं ब्रैक्टोलेट ओके बी आर एल मतलब ब्रैक्टियोलेट और ब्रैक्स होता है जो आपका फ्लावर के नीचे वो बेसिकली फ्लावर को होल्ड करता है नीचे में रहता है ठीक है तो उसे कहते हैं ब्रैक्स तो इसमें देखिए ब्रैक्स प्रेजेंट है ओके और ये देखिए यहाँ पे ब्रैक्टोलेट भी प्रेजें ब्रैक्टोलेट्स भी है ओके तो ब्रैक्स भी है और ब्रैकटोलेट भी है तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला देखिए पी काफ पी में क्या है बी BR, आर मतलब ब्रैक्स बी आर मतलब ब्रैक्टिट पर्सनेज मतलब क्या आपका जयगोमॉर्फिक फिर बाइसेक्शल फ्लावर फिर के फाइव सी फाइव ए नाइन प्लस वन और जी वन सुपेर ओवरी तो ये है आपका ऑल अबाउट फ्लॉयल फॉर्मूला ऑफ हेबेशिया फैमिली ठीक है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैमिली जो कि है सोलर नेशिया फैमिली सोलर नेशिया फैमिली के एग्जाम्पल्स क्या क्या है देखिए नीचे यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में आपका है पटेटो है आपका टमेटो है आपका कैप्सिकम नाइट शेड ओबर्जिन ओबर्जिन का मतलब है आपका ब्रिंजल ठीक है ओबर्जिन का मतलब क्या है ब्रिंजल तो फिर देखिए धतुरा है यहाँ पे फिर अश्वगंधा है और टोबैको है और पेटूनिया ये सब एग्जाम्पल्स है ऑफ सोलोनिशा फैमिली इसका देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया है आपका सोलोनम अमेरिकनम का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे क्या है देखिए पहला भी ये प्लस साइन ये प्लस साइन का मतलब क्या है एक्टिनोमॉर्फिक मतलब ये जैसे एग्जाम्पल लीजिए स्टार स्टार को देख लीजिए ठीक है आप इसको जहाँ से भी काटेंगे वो इक्वल पीसेस मिलेगा है ना तो उसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं तो ये जब साइन होता है ये एक्टेनोमॉर्फिक है वो फ्लावर को आप बीच से काटेंगे तो हर साइड से आपको इक्वल पार्ट्स मिलेगा तो ये फ्लावर क्या है एक्टिनोमॉर्फिक देन इसके बाद ये क्या आपको मैंने बताया था बाइस क्योंकि यहाँ पे मेल पोर्शन भी है और फीमेल पोर्शन भी है के फाइव मतलब कैलिक्स क्या है फाइव कैलिक्स का एक और नाम क्या है सेपल्स यहाँ पे देखिए कैलिक्स फाइव है एक दो तीन चार पाँच ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो है देखिए ये अब क्या है आपका ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है ठीक है देखिए प्लस साइन तो फाइव हो गया नेक्स्ट है आपका कोरोला फाइव पेटल्स देखिए वन टू थ्री फोर फाइव ओके ये आपका आ गया कैलिक्स ये आपका आ गया कोरोला ठीक है अब ये देखिए सारे एक साथ अटैच है तो ये सारे फ्यूज फॉर्म में है इसलिए दोनों ब्रैकेट में है ए फाइव मतलब एंड्रोशियम देखिए वन इसको बोलते हैं एंड्रोशियम ए वन टू थ्री फोर फाइव देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए कोरोला कट ओपन देखिए यहाँ पे ये फाइव है ना यहाँ पे देखिए फाइव है यहाँ पे एंड्रोशियम स्टेमेंट्स देख सकते हैं और यहाँ पे क्या है ये देखिए पेटल्स है ठीक है ये तिर्ण पे यहाँ पे क्या लिखा है एपी पेटल्स ओके ये जो स्ट्रक्चर है ये एपी एपी पेटल्स है देखिए सी और ए के ऊपर क्या है देखिए सी और ए के ऊपर क्या सिग्नेचर साइन है यहाँ पे ये सी है ये ए है इसके ऊपर ऐसा साइन है मतलब इसका मतलब है एपी पेटल्स मतलब क्या होता है जो स्टेमेंट्स होते हैं वो आपके पेटल्स के साथ अटैच होते हैं देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्टेमेंट्स जो है पेटल्स के साथ डायग्राम में देखिए जो सेमेंट है पेट के साथ अटैचड है यहाँ पे इसलिए से कहते हैं एपीपेटलिस कहते हैं ओके सो so, ये ये साइन जो है ये है आपका एपीपेटलिस सी और ए अटैच्ड है तो ए क्या है फाइव है देखिए ये तो अटैच देखिए पांच जो सेम है नहीं, तो अटैच नहीं है एक, एक दूसरे के साथ इसलिए ये फ्री फॉर्म में है ए फाइव ओके कोई ब्रैकेट में नहीं है फिर से देखिए जी के नीचे डैश मतलब ये क्या है आपका सुपीरियर ओवरी है जो ओवरी है वो बाकी पार्ट से ऊपर में है ठीक है फिर जी का है इसमें क्या है दो है और फिर से फ्यूज फॉर्म में यहाँ पे डागरे में देख सकते हैं आप लोग जी क्या है दो है गाइनोशियम ओके okay? फीमेल पार्ट ये देखिए दो पार्ट दो है यहाँ पे और दोनों अटैच हैं अगर डाउट है तो ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए सेपल्स देखिए फ्यूज फॉर्म कोरला देखिए फ्यूज फॉर्म सेमिन के यहाँ पे ये एक सेमन का ये एक सेमेन दिखा रहा है यहाँ पे तो ऐसे पांच है अलग अलग ठीक है फिर यहाँ पे ओवरी देखिए गाइनोशियम ये आपके दो है और आपका फ्यूज फॉर्म में है ओके तो दिस इज ऑल अबाउट योर सोलेनेशिया फैमिली अगर इस एग्जाम्पल में नीचे देखिए कोई भी एग्जाम्पल आता है तो आपको ऐसे लिखना है अच्छा ऊपर में ये देखिए फ्लोर फॉर्मूला इसमें दो चीज एक्स्ट्रा क्या है ई बी आर और ई बी आर एल ओके ई बी आर और ई बी आर एल क्या है जस्ट द ऑपोजिट ऑफ बी आर एंड बी आर एल ओके पहले कैसे हमने देखा था कि बी आर क्या था ब्रैकटोलियट था राइट right? यहाँ पे क्या ब्रैकटी ब्रैक्स Bracty था सॉरी ब्रैक्स था भी बोल सकते हैं तो ई बी आर क्या है ई e ओके okay. ये क्या है ई e ई ब्रैक्टेट का मतलब क्या है कि इसमें ब्रैक्स नहीं है ठीक है इसमें देखिए यहाँ पे सिर्फ सेपल्स होता है सिर्फ यहाँ पे ऊपर देखिए सिर्फ सेपल्स है ये इसके नीचे और कुछ नहीं है कोई ब्रैक्स नहीं है तो ये ई ब्रैक्टिट है ऑल्सो ये जो आपका जो ऑल थ्रोल ये जो लाइन है एक्सेस के नीचे वाला पार्ट यहाँ पर देखिए ये पेडिसिल में देखिए यहाँ पे कोई फ्ला फ्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं है मतलब इसमें कोई ब्रैक्टियोल्स भी नहीं है तो फिर से ये हो जाएगा ई बी आर एल मतलब ई ब्रैक्टियोलेट ठीक है तो यहाँ आप यही बताया है फॉर्मूला में फ्लोरल फैमिला में ये बताया है ई बी आर ई ब्रैक्टिट ई ब्रैक्टिट फिर आपका एक्टिनोमॉर्फिक, फिर बाइसेक्शुअल के सी ए इज एपीपेटल और जी इज हुर ओवरी ठीक है इट इज ऑल अबाउट सोलेनशिया फैमिली द कम डाउन टू फ्लोरल फैमिली ऑफ लीलिया ओके लीलिया क्या है ये लिली फैमिली भी बोल सकते हैं इसको ठीक है यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल है देखिए नीचे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूलिप है आपका ठीक है ट्यूलिप है आपका लिली है एलियम सेपा है यहाँ पे ऑनियन गार्लिक सब है इसमें देखिए ठीक है एलियम सेपा एलियम सेटिवम फिर एलोवेरा टैमरिंडस मतलब टैमरेंड एस्परेगस एसफोडेलस फिटैलेरिया स्मैलिक्स एंड रेस्कस ये सारे जो प्लांट्स हैं ये इस फैमिली में आते हैं ठीक है थीके? तो डरिएगा मत ये फैमिली आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि देखिए ये बाकी जैसा नहीं है इसमें आप देख सकते हैं पी है इस इसमें कोई कैलिक्स भी नहीं है कोई कोरोला भी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसका जो कैलिक्स और कोरोला होता है वो दोनों एक साथ फ्यूज होते हैं यू के नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कै एंड कैलिक्स आप पेटल्स और सेपल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते वो दोनों एक साथ होते हैं यहाँ पे डायग्राम में देखिए ये देखिए डायग्राम में ये पेडिसल है पी पेडिसलि स्टेम है ना जो नीचे की तरफ आता है वो पेडिसल है जो लोअर पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है ठीक है जो ओवरी यहाँ पे देख सकते हैं ओवरी यहाँ पे सुपीरियर है देखिए ओवरी पार्ट देखिए ये ऊपर में है है ना ये ऊपर में है सब बाकी ओर से ऊपर में है फिर एंथर देख सकते हैं ओके क्या यहाँ पे आप कोई uh, कैलिक्स या कोई कॉरला देख सकते हैं नहीं देख पा रहे फिर आप फ्रॉलर डाइग्राम में आइए कम टू द फ्रॉलेर डाग्राम यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे सबसे बाहर सबसे बाहर में देखिए क्या होता है आपका कैलिक्स क्या, क्या, और कॉरला यहाँ पे कैलिक्स और कॉरला आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे नहीं ये दोनों डिफ्रिशिएट नहीं कर सकते इसलिए पी पी का मतलब क्या है पेरियंथ ओके पी का मतलब क्या है पेरियंथ पी ई आर आई ए एन टी एच ठीक है पेरियंथ यहाँ पे क्या है थ्री प्लस थ्री यहाँ पे देख सकते हैं देखिए वन टू थ्री जो कि कैटिक्स होना चाहिए था ओके फिर करला का पार्ट देखिए वन टू थ्री ओके थ्री प्लस थ्री लेकिन ये तीनों क्या है एक साथ है इसलिए आप देख सकते थ्री और थ्री क्या है थ्री प्लस थ्री ब्रैकेट के बीच में है क्योंकि दोनों फ्यूज है तो और क्योंकि इसको डिफ्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो उसे कहा जाता है पेरियंथ ठीक है बी आर का मतलब क्या है इसमें ब्रैक्स होता है ठीक है नीचे की तरफ ब्रैक्स होता है इसमें ओके देन प्लस यहाँ पे प्लस है मतलब ये वाला साइन क्या है एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री है इसका स्टारफिश के जैसा ओके okay? फिर ये क्या आपका बाइसेक्शुअल मेल साइन एंड फीमेल साइन बोथ आर प्रेजेंट पेरियां थ्री प्लस थ्री मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी ये आपका पेरियंथ है ए मतलब एंड्रोशियम मेल पार्ट देखिए थ्री प्लस थ्री फिर से ये वन टू थ्री वन टू थ्री देखिए ये रेडियल फॉर्मेट्री है रेडियल सीमेट्री फॉर्मेशन में है ये ओके okay? और जी थ्री अंदर में देख सकते हैं इसके अंदर ये देखिए ये चीज़ अंदर में है जी मतलब क्या है इसमें ये आपका गाइनोशियम पार्ट है थ्री है तीन इसमें ओवरी है और तीनों फ्यूज एक साथ हैं और क्योंकि ये सुपीरियर ओवरी है तो जी के नीचे डैश है ठीक है ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है लिलिशिया फैमिली का और ये जो ऊपर में फॉर्मूला दिया हुआ है ये है आपका फॉर्मूला ऑफ एलियम सेपा ठीक है बी आर क्या है ब्रैक्स ई बी आर क्या है ई ब्रैक्टेलिय मतलब इस प्लान में आपका ब्रैक्स है ओके नीचे में आपका ब्रैक्स है लिफ्लैक एक्सेस स्ट्रक्चर्स है आपका ठीक है लेकिन जब आपका पेडिसल है इसमें कोई ब्रैक्टियोल्स नहीं है तो इसलिए ये ई ब्रैक्टलीट हो जाता है ओके तो ये समझ में आया होगा आपका बी आर ई बी आर एल एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्शुअल पी मतलब पेरियां एडनेशियम गैग्नेशियम तो ये लिली फैमिली इसका होता है आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी नाइसली कमिंग बैक टू द लास्ट फैमिली दैट इज द ब्रासिकशिया फैमिली ओके ब्रासिकशिया फैमिली क्या है इसमें ये आपके सारे कैबेज मस्टर्ड ब्रोकोली कॉलीफ्लावर ठीक है बॉक्चॉय रेडिश ये सब जितने आते हैं ये सारे आपके आते हैं आपके ई ब्रास फैमिली में ठीक है सो so, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपका जनरल फॉर्मूला क्या है ई बी आर मतलब ई ये ई ब्रैक ई ब्रैक्टी एट मतलब इसमें कोई ब्रैक्स नहीं है ओके ओके देन कम बैक टू दिस प्लस साइन ये क्या है एक्टिनोमफिक मतलब रेडियल सिमेट्री है आप कहीं से भी काटिएगा इसको कहीं से भी काटिए इट विल गिव यू इक्वल पार्ट्स okay? ओके फिर ये बाई है केप टू प्लस टू मतलब कैलिक्स का है टू प्लस टू देखिए यहाँ पे वन टू और वन टू ठीक है यहाँ पे ये फ्रीली है फ्यूज नहीं है तो ये इसलिए इसको टू प्लस टू कहा है सी फोर मतलब आपका कोरला देखिए फोर है वन टू थ्री फोर ये भी फ्री फॉर्म में है ओके ए टू प्लस फोर ये देखिए टू वन टू अलग है और ये देखिए वन टू थ्री फोर ये आपका अलग है ओके okay? तो टू प्लस फोर जी टू टू यहाँ पर देखिए ये टू आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए टू है तो ये जी टू ठीक है तो ये आपका फॉर्मूला ऑफ ब्रासिकेशिया फैमिली तो अगर आपका मास्टर आता है कैबिजाता है या कोई भी आपको पूछते हैं तो आप याद रखिएगा ये वाला चीज़ नाउ देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे देखिए बेसिकली ब्रासिकिया फैमिली क्या है आपका देखिए फोर फोर सिक्स टू ओके फोर फोर सिक्स टू याद रखिएगा ये आपका फोर फोर सिक्स टू लिली फैमिली, फैमिली में क्या इसमें है इसमें पेरियां है इसमें आपका कैलेक्सर करोला नहीं है ये याद रखिएगा इसमें पेरियां अगर हुआ तो लिली फैमिली सोलिनिशा फैमिली में क्या है देखिए सारा फाइव है के फाइव सी फाइव ए फाइव जी टू फाइव 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 टू और फेबिशा फैमिली में क्या है आपका इसमें भी फाइव फाइव टेन वन याद रखिएगा एड्रेस में यहाँ पर टेन है ओके सी फाइव के फाइव और जी वन ठीक है याद रखिएगा और इन सारे में से आपका सिर्फ फेबिशा फैमिली है जो साइगो है बाकी देखिए सारा एक्टिनोमॉर्फिक फैमिली है ठीक है तो ये ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं सो लास्ट स्लाइड है आपका क्वेश्चन फॉर यू यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन बताया है जो आप इजली बोल सकते हैं आप आंसर कर सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है इसमें एक नया टर्म है एस्टिवेशन ओके एस्टिवेशन का मतलब यहाँ पे क्या है ये मतलब है कि जो आपका जो फ्लोरल पोजिशन होता है ना कार्पल्स जो आपका पेटल्स है आपका जो सेपल्स हैं जो कार्पल्स हैं जो स्टेमेंट्स हैं वो जो सारे जो जो स्ट्रक्चर पोशनस होते हैं ना तो उसी क्या कहते हैं एस्टिवेशन वो उसका जो प्रेजेंटेशन है उसका एस्टिवेशन कहते हैं ठीक है थीके? तो मैंने इसका ये मतलब आपको बता दिया है और सिम्बल्स आप बोल सकते हैं फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में कौन सा चीज़ यहाँ पे फॉल्स है आप इसको ईजिली बोल सकते हैं अगर आपने अच्छे से मैंने क्लास को सुना होगा तो आप बोल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं क्या क्या सिंबल्स का मीनिंग क्या क्या है ठीक है ओके थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे आते देखिए यहाँ पे एक टर्म है हाइपोगाइनस पेविगाइनस और एपिगानस ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ <coughs> हाइपोगाइनस पेरीगानस ये देखिए जो आपका पोशन है ना जब आप फ्लावर को देखते हैं उसका जो पोषण होता है जैसे कि ओवरी का जो पोशन होता है हाइपोगाइनस में क्या होता है आपका हाइपोगाइनस में क्या है आपका जो ओवरी है ना वो आपका सुपीरियर होता है मतलब बाकी जो पार्ट्स है आपका बाकी जो जब मैं आपको प्रॉपरली मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगी फ्लाइन प्लांट्स का उसमें मैं अच्छे से डिटेल डिटेल्स में बताऊंगी अभी मैं आपको बस ऊपर ऊपर से बता देती हूँ हाईपगनेस में क्या होता है जो ओवरी वो सुपियर होता है जो बाकी पार्ट्स होते हैं उनके नीचे में होता है ठीक है जैसे कि स्टेमन हुआ ये ठीक है ये स्टेमन हुआ फिर आपका पेटल्स हुआ ठीक है ये आपका पेटल्स हुआ फिर आपका सेपल्स हुआ तो बेसिकली क्या होता है कि ओवरी जो पार्ट है वो ऊपर होता है तो ये सुपीरियर ओवरी होता है ओके पेरी गनेस यहाँ पे क्या होता है जब आपका ये आपका हाफ सुपीरियर होता है पूरा पूरी सुपीरियर नहीं होता है मतलब जो आपका ये जो आपका ओवरी uh, होता है इट इज़ इन द सेम लेंथ ठीक है ये और आपका जो स्टेमेंट्स है जो आपका पेटल्स है ये सब जब सेम लेंथ में होते हैं तो उसे कहते हैं पेरिगाइनस मतलब दे आर नॉट सुपीरियर नॉट इन्फीरियर दे आर हाफ सुपीरियर ओके और फिर हाफ इंफीरियर में भी बोल सकते हैं सो लास्ट है एपी so, इसमें क्या होता है जो ओवरी होता है वो इन्फेरियर होता है ओवरी नीचे होता है ये आपका स्टेमिन ये आपका पेटल्स ठीक है याद रखिएगा फिर सेपल्स जब आपका ओवरी सुपीरियर तो हाइपो अगर इन्फीरियर हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर तो ये पेरी और अगर इन्फेरियर होता है तो एपिगैनस याद रखिएगा तो ये आंसर आप बता सकते हैं ओके और लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से मेरे स्लाइड्स को अगर आपने सुना होगा तो आप ये आंसर भी आप दे सकते हैं ओके सो so, आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा सही हुआ तो बताऊंगी गलत हुआ तब तो भी बताऊंगी सो so, आई होप आप आपको आज आपको आज का मेरा क्लास आपको अच्छा लगे है अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मैं आप, आपको ऐसे और वीडियोस में अपलोड कर सकूं और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा थोड़ा कि आप लोग को समझ में आ रहा है या फिर आपको अच्छा लग रहा है क्लासेस सो थैंकू सो मच फॉर टू डेज फॉर अटेंडिंग टू डेज क्लास एंड आई होप यू हैव ग्रेट डे एंड प्लीज़ बताइएगा आपको यहाँ आज का क्लास कैसा लगे कैसा लगाएं थैंक यू सो मच